खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल के बाद अब अमेरिका की F-18 को भारतीय बेड़े में शामिल करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने इसके लिए पेशकश की है। अमेरिकी लड़ाकू विमान को खरीदने के सरकार की ओर से कभी भी हरी झंडी मिल सकती है। चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग को जानने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समझौता हुआ। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अमेरिका हर तरह के संबंध मजबूत करने में लगे हुए हैं। दोनों देशों ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान सैन्य समझौते के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक की लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही थी। दरअसल अमेरिका सरकार ने अपने F-18 को मानव रहित विमान सी गार्जियन के साथ भारतीय नौसेना और अन्य प्रणालियों के साथ भारतीय सशस्त्र बलों को बेचने की पेशकश की है। फिलहाल भारतीय नौसेना अपनी जरूरतों F-18 और राफेल विमानों का आकलन कर रही है। अमेरिकी सरकार के लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण कहा जाता है। ये 126 मल्टी रोल मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता के लिए भारतीय वायुसेना को दिया जा रहा है। इसमें अब तक केवल राफेल और यूरोफाइटर ही जगह बना पाए हैं। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने फ्रांस से राफेल खरीदने का फैसला किया। भारत सरकार ने फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल में भरोसा दिखाया और 60,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत 36 विमान खरीदे हैं। इसकी आपूर्ति भी की जा रही है। दरअसल चीन की तरफ से भारतीय सीमा पर हथियारों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा चीन समुद्री क्षेत्रों में भी युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके लिए अमेरिका ने पहले भी भारत को कुछ घातक हथियार मुहैया कराए हैं। हाल में अमेरिका ने भारत को नई तकनीकी से लैस P-8I विमान देने का फैसला किया है। इसे गोवा में हंसा नेवल बेस पर तैनात किया जाएगा। इस विमान से भारत आसानी से चीनी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों का खात्मा कर सकेगा। इस विमान को अमेरिका की कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। नए P-8I विमान में AGM-84 हार्पून एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इस नए विमान में मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम लगा है जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बी को ढूंढ निकालता है। इसके अलावा विमान में कई सारे ऐसे रडार लगे हुए हैं जो लंबी दूरी तक नजर रखने और जासूसी करने में सक्षम है। अब अमेरिका F-18 के साथ भारतीय नौसेना और वायुसेना को और भी मजबूत बनाने की पेशकश की है। भारत सरकार भी F-18 खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने भी हर तरह से चीन के खिलाफ भारत के सहयोग का फैसला किया है। भारत के साथ सैन्य समझौता इसका एक ताजा उदाहरण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।